आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं कि अगर आप बिहार से हैं, आप नॉर्थ एरिया से हैं या साउथ एरिया से हैं, तो आप किस तरह अपना बिजली बिल अपने मोबाइल से निकाल पाएंगे और बिजली बिल जमा भी कर पाएंगे बिल्कुल फ्री में कैसे। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कैसे बिजली बिल निकाल पाएंगे और कब तक जमा करने में कितना फ़ाइन लगेगा, कैसे क्या होता है और किस मंथ का बिल है, कितना जमा करना होगा, किस माध्यम से जमा कर सकते हैं, वो सारा चीज़ हम आपको इसी वीडियो में बताने की कोशिश की है। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। अगर वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो हो सकता है आपके दिमाग में कुछ ना सेट हो। तो चलिए आज की इस वीडियो में शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए हम बताते हैं अगर आप बिहार से हैं या आप साउथ बिहार से या नॉर्थ बिहार से, तो किस तरह अपने मोबाइल से अपना बिजली बिल चेक कर पाएंगे, जमा कर पाएंगे, पूरी चीज़ हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर ओपन कर लेना और ये बिजली बिहार बिजली बिल पे ये वाला एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल कर लेना है, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इसका सेंटर फेस आप देख लीजिए। और मैं आपकी सुविधा के लिए इस एप्लीकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अदरवाइज़ कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे फेक भी होते हैं। तो ये जो एप्लीकेशन ये ऑफिशियल ऑफिशियल जी मतलब बिजली विभाग का अपना एंड्रॉयड ऐप है जो बिहार के लिए बनाया गया है। तो चलिए सिंपली से इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो चलिए इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन कर लेना है, मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जैसे आप ओपन करेंगे सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का सेंटर पेज दिखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले अपना बिल देखेंगे, तो यहाँ पे इस पर क्लिक करना है बिल डिटेल एंड बिल पेमेंट पे, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे भी इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे सीए नंबर मतलब आपका अकाउंट नंबर देना होगा, जो भी आपका बिजली बिल का होगा वो अकाउंट नंबर आपको कहाँ से मिलेगा, आपको कहाँ पर होगा ये बिजली बिल में लिखा रहता है। तो बिजली बिल में कहाँ पर लिखा रहता है वो भी हमको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक सीए नंबर कंज्यूमर आईडी हेल्प, इस पर आपको क्लिक करेंगे। देख पा रहे हैं अगर आप साउथ बिहार से हैं तो आपको इस तरह का एक बिजली बिल मिलता होगा, देख पा रहे हैं। और इसी बिजली बिल में आपको यहाँ पे एक सीए नंबर लिखा होगा, तो इसी तरह यहाँ पे सीए नंबर आपको मिल जाएगा। अगर आप नॉर्थ बिहार के हैं तो आपको इस तरह का एक बड़ा सा एक बिजली बिल मिला होगा, जो भी बिजली बिल चेक करता है उनके द्वारा। और यहाँ पे आपको एक बिजली बिल मिला होगा, यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे लिखा होगा सीए नंबर खाता नंबर उपभोक्ता नंबर, ये हो गया सीए नंबर, ठीक है। तो देख लीजिए अपना बिजली बिल में जो भी आपको बिल मिला होगा उस बिल में ये लिखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बिल नंबर हम यहाँ पर इंटर करते हैं, तो देखिए मैं अपना जो सीए नंबर है तो वो वाला मैं यहाँ पर इंटर कर रहा हूँ। तो ये जो मैं कर रहा हूँ ये नॉर्थ बिहार का है। उसका सीए नंबर देने के बाद यहाँ वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। जैसे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से इंटरफेस यहाँ पे दिखने को मिलेगा। यहाँ पे नाम रहेगा और कंज्यूमर आईडी रहेगा, एड्रेस, और यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर यहाँ पे देना आपको अनिवार्य है और यहाँ पे ईमेल एड्रेस देना ज़रूरी नहीं है। मोबाइल नंबर जब तक आप नहीं देंगे तब तक ये नहीं लोड लेगा, ठीक है। तो मोबाइल नंबर देंगे, मोबाइल नंबर पर कोई ओटीपी नहीं जाता है। उसके नीचे में सेव बटन पे क्लिक करेंगे, तो सेव बटन पे जैसे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से सेंटर पे आपको दिखने को मिलेगा। तो यहाँ देख सक्सेसफुली हो चुका है, तो अब यहाँ पे ओके कर देंगे। ओके पे जैसे क्लिक करेंगे फिर से होम पेज पर ये हमको रिडायरेक्ट कर देगा। तो उसके बाद फिर से हमको करना कुछ नहीं, फिर से वहीं पर क्लिक करना है बिल डिटेल एंड बिल पेमेंट पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे दिख लिए हमारा जो वो बिल था वो जुट चुका है। अगर इसके अलावा कोई आपका बिल है तो वो बिल को भी आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब ये बिल का हमें पूरा स्टेटस बिल निकालना है, कितना बिल है, कब कैसे जमा करना है, तो इस पर हमको क्लिक करना होगा। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो बिल है यहाँ पे नाम वगैरह आ जाएगा, एड्रेस वगैरह, बिल किस मंथ का है वो भी यहाँ पे दिखाई देगा। ये यहाँ पे देख लीजिए बिल मंथ और कितना बिल है वो भी दिया गया, यहाँ पर कितना बिल है वो भी दिया गया, ठीक है। और यहाँ पर आप बिल डाउनलोड कर सकते हैं, व्यू डाउनलोड बिल, इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम बिल डाउनलोड कर सकते हैं कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे एक डाउनलोड बिल का ऑप्शन मिलेगा, ये वाले ऑप्शन को आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे ये आपको पीडीएफ में डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। ये देख लीजिए ये पीडीएफ में डाउनलोड बिल कुछ इस तरह आपको दिखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर बिल में आपको देखना है जो आपका जो बिल है वो कब तक जमा करना है और कब तक, देख लीजिए आज जो 18 तारीख है
और 18 तारीख 8वां महीना, ये बिल जो मैं आज आपको वीडियो बता रहा हूँ, तो यहाँ पे दिया गया है कि अगर जो भी डेट हो आपका, यहाँ पे देख लीजिए, अगर मैं 5/8/18/19 तक 5/8/19 तक इस बिल को जमा करता तो मुझे 2,257 रुपये लगते। उसके बाद 5/8 तक मैं जमा नहीं कर पाया तो 15/8 तक में हमको यहाँ पे बिल जो लगेगा वो 2,260 लगेगा, 15 भी चले गया है, तो अब 15 के बाद जो लगेगा हमको यहाँ पे 2,284 रुपये बिल लगेगा, वो भी दिया गया, ठीक है। और इससे पहले मैं कितना बिल जमा किया गया था वो भी यहाँ पे देख लीजिए, अंतिम अंतिम भुगतान विवरण, इस पर आपको देख सकते हैं कितना जमा किए थे और उसका क्या ये है रसीद संख्या, वो सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है। तो ये हो गया, ये बिल हो गया। चलिए इसको, ये हमारे फ़ोन में डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। तो चलिए इस, अगर हम बिल को जमा करना चाहते हैं, ये बिल है इसको जमा करना चाहते हैं, तो यहाँ पे पे बिल पे एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना होगा। पे बिल पे क्लिक करें, यहाँ पे आपका जो मतलब आपका जो बिल है वो 2,284 मेरा है, तो आपका जितना भी हो, तो जितना भी रुपया आप जमा करना चाहे वो आप यहाँ से जमा कर सकते, ठीक है। जो भी जमा करना वो जमा करेंगे, वो उतना अमाउंट डालेंगे यहाँ पर, उसके बाद पे बिल पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे एक कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखने को मिलेगा, उसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। तो ये उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरह का रिडायरेक्ट लेगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे पेमेंट का आ गया। तो आप पेमेंट करना चाहते हैं यहाँ से, किस तरह आप क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से, डेबिट कार्ड प्लस ATM पिन से, या नेट बैंकिंग से, या UPI से, जिससे भी करना चाहते उससे आप पेमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। अगर UPI से करना चाहते UPI पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे UPI जो होगा, UPI एड्रेस, उस UPI एड्रेस को आपको इस बॉक्स में इंटर कर देना, जो भी आपका होगा UPI एड्रेस वो आपको यहाँ पे इंटर कर देना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद OTP इंटर करने के बाद आप यहाँ से पेमेंट कर लीजिए। देखिए मैं पेमेंट नहीं करने वाला अभी, मैं तो आपको सिर्फ बता रहा हूँ, तो चलिए मैं अभी पेमेंट नहीं करूँगा, तो हम कैंसिल एंड गो बैक पे क्लिक करेंगे। तो हम बैक हो चुके हैं। तो इसी तरह आप बिल जांच पर जा सकते हैं। तो उसके बाद चलिए, बिना सेव किए आप बिल पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे इंसर्ट बिल पेमेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे CA नंबर देंगे, उसके बाद पे डिटेल पे क्लिक कर देंगे। तो चलिए मैं CA नंबर यहाँ पे एंटर करता हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं अपना CA नंबर, जो भी आपका नंबर हो आप एंटर कीजिए, मैं अपना कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे नीचे में पे डिटेल पे क्लिक करेंगे, तब इसका कितना बिल है वो भी यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ से अगर बिल पेमेंट, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ बिल पेमेंट पे क्लिक करके, ये सेव नहीं होगा। अगर वहाँ से आप करेंगे तो आपका बिल सेव भी हो जाएगा, हर वक्त सेव करने की ज़रूरत नहीं होगी। उसके बाद अगर कोई जानकारी लेना तो यहाँ पर कॉन्टेक्ट अस का एक दिया गया ऑप्शन, कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको टोल फ्री नंबर भी मिल जाएगा और यहाँ पर एड्रेस भी मिल जाएगा, साउथ बिहार का, नॉर्थ बिहार का। तो आज की इस वीडियो में आपने सीख लिया किस तरह निकालते हैं बिजली बिल, किस तरह जमा करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो आपको सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।